हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी। सो बेसिकली हमें इसमें तीन स्टेप पढ़ने हैं, प्लस आई इफेक्ट, सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, तो प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, जब हमारा प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो हमारी बेसिसिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। एंड जब हमारा जो प्लस आई इफेक्ट कम होता है तो हमारी बेसिसिटी भी कम होती है। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं अमीन्स के, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्शरी अमीन्स। सो बेसिकली क्या होता है, इसमें जो हमारा आर ग्रुप है, आर ग्रुप क्या है, हमारा एक प्रेजेंट है, इसमें दो, इसमें तीन, तो हमारा क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। लाइक प्राइमरी में एक है, सेकेंडरी में दो है एंड टर्शरी में तीन है, तो हमारी बेसिसिटी क्या होगी, टर्शरी की ज़्यादा होगी, सेकेंडरी की उससे कम एंड प्राइमरी की सबसे कम। ठीक है, सो ये था हमारा प्लस आई इफेक्ट। सेकेंड, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन में क्या होता है, हमारी जब बेसिसिटी बढ़ती है तो हमारी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ओके, सो हमारी जब स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है जितने ज़्यादा हमारे पास एच पॉजिटिव आयंस मॉलिक्यूल्स होंगे, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। जब उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी तो उतना ज़्यादा वो बेसिक नेचर का होगा, और वो कब होगी, जब हमारी पास एनर्जी कम होगी। सो इसमें देखिए आप, प्राइमरी में दो हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट में जब हमारा हाइड्रोजन रिप्लेस होकर एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो एक हाइड्रोजन बचेगा, एंड एट लास्ट एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा क्योंकि वो सारा कन्वर्ट होकर एल्काइल ग्रुप में बन जाएंगे। ओके, सो इसमें क्या होगा, जितने ज़्यादा मैंने आपको बताया, जितने ज़्यादा एच पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हैं उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो, प्राइमरी अमीन्स में ज़्यादा है हाइड्रोजन इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ओके, सो इसमें ये देखा है, जितनी कम एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबल, जितना ज़्यादा स्टेबल उतनी ज़्यादा बेसिसिटी, और जितनी ज़्यादा बेसिसिटी उतने ज़्यादा एच मॉलिक्यूल्स। ओके, सो थर्ड वन है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या होगा, जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे और जितने ज़्यादा एच मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उतना ही वो ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, सो क्योंकि एच पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स को हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो ईजिली किसी से भी रिप्लेस हो सकता है। और स्टेरिक का मतलब क्या होता है, स्टेरिक का मतलब होता है क्राउडिनेस, भीड़ भड़का। ठीक है, अब इसमें तो एक ही एल्काइल ग्रुप है, इसमें दो हैं और इसमें तीन हैं, तो इसमें तो कोई चांसेस ही नहीं है किसी और के आने के, इसमें है एक जगह चांसेस क्योंकि एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि वो इजीली किसी से भी रिप्लेस हो सकता है, बट इसमें दो हैं तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, यस, सबसे ज़्यादा बेसिक प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी इज द लीस्ट बेसिक। ओके, सो हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट होता है इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी। अब हमारा जो एरोमेटिक अमीन्स का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज सिंथेटिक यूजेस ऑफ एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। तो बेसिकली इसमें हम नाइट्रस का यूज करते हैं, वो है हमारा स्टेबल कंपाउंड है जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सोडियम नाइट्रोक्साइड NaNO2 प्लस HCl से हम रिएक्ट कराएंगे, तो क्या होगा, NaCl अलग हो जाएगा और HNO2 अलग हो जाएगा, जो कि क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। ठीक है, अब जो हमारा जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो क्या होता है, सिर्फ उसमें क्या यूज़ होता है, प्राइमरी अमीन ही यूज़ होती है सिर्फ, तब हम प्राइमरी अमीन यूज़ करते हैं इसमें, तो क्या होगा, प्राइमरी अमीन प्लस नाइट्रस, तो क्या होगा हमारा जो ये मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, N2 अलग एंड Cl नेगेटिव अलग, Cl इससे आया है और N2 इससे। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारा, एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, ये आप अगर आगे फर्दर रिएक्शंस करना चाहो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप यहाँ तक शो करेंगे। अब इसकी जगह अगर हमने अब बेंजीन रखा है आर की जगह एग्जाम्पल के रूप में,
तो आर की जगह एल्काइल ग्रुप की जगह हम क्या लिखेंगे, C6H5 और बाकी सेम। अब सेम N2 प्लस Cl नेगेटिव जुड़ जाएगा जो कि हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। तो अब हम जो हमारा HNO2 है अब उसे हम ब्रीफली लिखेंगे, लाइक N डबल बॉन्ड O H। अब क्या होगा, जो एच पॉजिटिव आयन है वो लोन पेयर पे जाके अटैच हो जाएगा, जिससे क्या होगा हमारा ये एच यहाँ जाके भी अटैच हो जाएगा और यहाँ भी, तो क्या होगा और डबल बॉन्ड NO2 और दो एच। ठीक है, अब इसमें से वाटर जो है हमारा, जो हमारा वाटर फॉर्म हुआ है वो क्या हो जाएगा, रिमूव्ड आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा H2O तो निकल जाएगा, ये तीनों निकल जाएंगे, बस हमारा ओ डबल बॉन्ड ओ एन बचेगा, मतलब ओ डबल बॉन्ड और एन बचेगा बस। फिर उसके बाद हमारा जो है वो किस क्या फॉर्म हो जाएगा, नाइट्रोजोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा विच इज इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा मैकेनिज्म है डायजोनियम सॉल्ट का। सो यहाँ पे हमारा एरोमेटिक अमीन्स वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।